रहते हैं ये इन चीजों का मैं दिखा गया है जी आप सभी सबके लिए गठन हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ये सरकार की तरफ से निर्देश है, पर किसी ने भी किया नहीं है। तो अगर वो करेंगे, क्योंकि किसी ने बोला नहीं उनको, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके उनको बोलोगे। जैसे हमारे यहाँ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे धीरज महाजन करके एक लड़का है, वो डीसी के मगर लगा रहा, अब उसको लैंड मिल गई है। अच्छा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। वैसे ही मतलब अगर उन्हें कोई ऊपर वाला अफसर पूछे कि तुम्हारे एसपीसीए नहीं है, तो वो मुसीबत में आ जाएंगे। पर ना ऊपर वालों को मतलब है, ना हम लोग पूछते हैं। तो आप उनसे कहो कि भैया ऐसा है कि हमारे यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट में है नहीं एसपीसीए, तुमने बना नहीं रखी तो तुम बनाओ, ये देखो ये सरकारी मैंडेट है बनाना। ठीक है, कैन यू डू दिस, कैन यू सेंड, वो जो एमपी जो सिंगरौली वाला हमारा बंदा है, उनका नंबर आप इनको भेज देना। उसने ये किया है ना काम, आपको उससे गाइडेंस मिल जाएगी थोड़ी। ठीक है, तो फिर आपको जमीन, अगर जमीन मिल जाती है, हो सकता है कुछ महीने साल लग जाए, फिर आप अपना कर सकते हो, बाकी आपको चल तो रहेगा। सही है, गुड। हमारा आने का मोटिव ही यही हो गया है कि आपका देखे भी कैसा लगे, हमें भी फ्यूचर में ऐसा ही करना है कि कितने पर्सन की जरूरत है, कितने डॉक्टर की, कैसे कैसे सब कुछ। अगर कर दिया फिर पीछे हटना नहीं जाएगा, अगर करना शुरू कर दे तो भी करते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। करें, अगर पीछे हटने के तो फिर लोग कहेंगे बस हो गया। लोगों के कहने का क्या है, ऐसी बात है। हम जैसे हमें केस मना करने पड़ते हैं तो हम करते हैं मना, तो लोग हम पे दबाव डालते हैं, हमें वीडियो डाल दिया, वैसे मदद नहीं करते, तो मदद नहीं करते कि बंदा सोना छोड़ दे, जीना छोड़ दे, तुम कर लो। तो हम इसलिए, मैं तो साफ कहता हूँ, हम इसलिए कर रहे हैं, हमारी मर्जी है, है ना। मैं किसी कर रहा ना, वो वाली बात आ जाती है, दो दो बजे फोन आ जाते हैं कभी कभी, तो कभी रात को दो बजे फोन आ जाते हैं रोड पे। चलो आपने वो जोश जोश में आपने कर लिया, वो कभी कभी की बात है। अगर आपको लाइफ लॉन्ग यही काम करना है तो आप दो बजे चार बजे उठ के नहीं कर सकते। सुबह कर देंगे, हम बोल देते हैं अभी सुबह कर देंगे। कभी पता क्या होता है, जैसे गौ बीमार पड़ी है, किसी का फोन कर कर चला गया, जहाँ पर गौ बीमार पड़ी है आप उठा कर ले जाना, आप तो आगे निकल जाता है, वहीं पर कह कर चला गया, मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई। उसकी जिम्मेवारी वो भी थी, भी उसके पास खड़ा हो जाता, 10 मिनट के लिए खड़ा हो जाता, 20 मिनट के लिए खड़ा हो जाता। एक्चुअली क्या है, इसके लिए फुली डेडिकेटेड बंदा चाहिए जो परमानेंट हो वहाँ पे। पर फिर भी आप एक लिमिट तक ही करोगे ना, मैं करो 1000 का खोल लो, 1000 एक वीक की भी कॉल आएगी फिर क्या करोगे, आप एक दायरा सेट करोगे, यहाँ तक करना है। मैं कह रहा हूँ पूरा पंजाब कवर कर लोगे, हरियाणा वाले कहेंगे हमारी तो बात है, लैंड कितना भी मिल जाए, लैंड की ऐसी बात है, मतलब लैंड भी मिल जाएगा। अगर हम फ्यूचर में ऐसा सिस्टम कर रहे हैं तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे आप यहीं पर हो और अपना सिस्टम मैनेज करते हो, जैसे मैं एडवोकेट हूँ, इनकी दुकान है, ये भी काम करता है, हम प्रॉपर वहाँ पर नहीं रह सकते। हम सुबह आ सकते हैं, शाम को आ सकते हैं, हम प्रॉपर वहाँ पर नहीं रह सकते भी। इस तरह हम क्या मैनेज कर सकते हैं आपके हिसाब से? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप एनिमल एरिया मैं नहीं करता मैनेज, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स हैं, क्लिनिक है, फार्म है, प्रोडक्ट्स है, मीडिया है। अब मैं चारों में से कोई भी मैनेज नहीं करता, क्योंकि चारों को वो लोग चला रहे हैं जिनको वो चलाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो आपको भी वो बंदा, एक बंदा ढूंढना है वो, जिसका मन हो ये करने का, जिसका सपना हो कि मुझे गौशाला खोलनी है, ठीक है। अब हो सकता है वो किसी ऐसे परिवार में पैदा, उसके पास नहीं है संसाधन, ठीक है। आप उसको लैंड ला के दे रहे हो, आप उसको एक चला चलाया सिस्टम दे रहे हो, आपने डोनेशन वाले लोग जोड़ दिए, ठीक है। आप उसका सपना पूरा कर रहे हो ना, साथ में आप उसको सैलरी भी दे रहे हो, भी उसको घर तो उसको भी चलाना है, तो फिर वो बंदा डेडिकेटेड काम करेगा। आप फिर एडवाइजरी कैपेसिटी में हो, वो फंस जाता है, माड़ी मोटी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं समझ में आ रहा उसको कि क्या करना है, तो वो आपको कहेगा यार यहाँ मैं फंसा हूँ, ठीक है। तो आपको गाइड करना है, आप समझ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे नहीं हूँगा तब भी क्लिनिक तो चलेगा, अभी ज्योति गई है ना, ज्योति देखती है सब, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो ये करना चाहती थी। तो जैसे आप भी अपना फेसबुक वगैरह पे पोस्ट डालोगे ना, जॉब पोस्टिंग, कि भी मैं एक एनिमल वेलफेयर मैनेजर ढूंढ रहा हूँ जो, जिसकी ये जिम्मेदारियाँ होंगी, हम रहने खाने की जगह देंगे, रहना खाना हम कवर करेंगे, हम सैलरी देंगे। आप एक बिजनेस की तरह सोचो ना जी। आपने एक दुकान खोली है तो आप दुकान पे शुरू में खुद बैठोगे, आपने नई दुकान शुरू करी, आपको समझ में आ गया हाँ भाई ये गल्ला है, ये मेरा स्टॉक है, ये सप्लायर है, ऐसे करके काम चलता है, आपका काम बढ़ता है। आप एक लड़का रखोगे आपकी हेल्प कराने के लिए,
फिर आप अपनी जगह एक और नया बंदा ले आओगे, फिर आप एक दूसरी दुकान खोलोगे, तो ही तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ना। बढ़ेगा, वही करोगे ना आप, एग्जैक्टली वही करोगे। अभी आप जो आप काम खुद कर रहे हो उसके लिए आप फिर एक पैरावेट ले आओगे, ठीक है, फिर आप पैरावेट को मैनेज कर रहे हो, पैरावेट की मदद से आप कर रहे हो। फिर अब आपको आ गया कि मतलब पहले तो आप पैरावेट का काम खुद कर रहे हो, पैरावेट का काम है ना ट्रीटमेंट वगैरह, आपका वो बंदा आ गया, आप उससे फारिग हो गए, अब आप पैरावेट को मैनेज कर रहे हो, अब पैरावेट भी मैनेज हो गया, अब आप अपनी जगह एक मैनेजर ले आए हो, तो अब आप पीछे हट सकते हो ना, और फिर आपको सिर्फ ओवरव्यू रखना है। पर काम कभी भी उतना अच्छा नहीं चलेगा जितना वैसा अच्छा चलता है कि जब आप खुद लगे हो अपने हाथ जगन्नाथ, तो 100% नहीं चलेगा, 80-70 चलेगा तो सही ना। ये कई बार हम परफेक्ट के चक्कर में क्या होता है उसमें लगे रहेंगे, फिर हम कहेंगे यार मैं नहीं कर सकता, मेरा घर परिवार है, फिर हम जीरो कर देते हैं। तो या तो 100 या जीरो, क्यों 100 से अच्छा 60-70-80 कुछ भी, जहाँ पे भी सुई आगे रुकती है वैसे करो। भी आपकी तरह मतलब कि अगर हम पहले तो अपने आप, जैसे अब भी हम खुद ही कर रहे हैं, हाँ। भी जैसे कई गाय को खड़ा करना या पिंगे में खड़ा करना है, या कुछ भी हो गया जैसे ट्रीटमेंट, भी पहले हम जैसे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव ज्यादा हूँ जी, जैसे हाँ, भी सभी जगह मतलब हमें एक तरह बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा, बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा। जब हमने शुरू किया था जैसे हम 5 लोग थे, ठीक है, तो हम सभी कुछ खुद ही करते थे, हम एनिमल रेस्क्यू भी खुद करते थे, वीडियो भी खुद बनाते थे, सोशल मीडिया पे भी खुद डालते थे, लिखते भी खुद थे। फिर जब आपको एक चीज समझ में आ जाती है, फिर उसके लिए आप किसी और को ले आते हो जो इंटरेस्टेड हो। जैसे अमन है, अमन हमारा वो था व्यूअर था, ठीक है, ये नेपाल से है, तो ये इंटरेस्टेड था जो हम काम कर रहे थे, फिर ये आया, इसने एक चीज ट्राई की, दूसरी चीज ट्राई करी, फिर इसको समझ में आ गया कि ये रोल मुझे सही लगता है, हमें भी लगा इस रोल के लिए ये परफेक्ट है, तो उस रोल का जो बंदा था वो खाली हो गया, या जो शाइनी अभी काम कर रही है, पहले मैं करता था, मैं लिखता था चीज़ें, अब शाइनी लिखती है, या गोप्रो लेकर मैं घूमता था, अब शाइनी करती है, उसको काम करने में मज़ा आता है, वो इसमें अच्छी भी है, मैं फारिग हो गया। आप समझ रहे हो, मैं फारिग हूँगा तो मैं फिर देख सकता हूँ, चल यार हम आगे बड़ा क्लिनिक बनाते हैं, दिन में घंटे तो वही आपके पास 24 ही हैं। एक टेंशन से मुक्त होंगे तो दूसरी टेंशन, दूसरी चीज़ के बारे में सोच पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात आपकी, क्योंकि हमारे पंजाब में जी बहुत कम है जो ये हॉस्पिटल टाइप अगर ना क्लिनिक, पूरे भारत की समस्या है, आपको तो हिमाचल में, हिमाचल में तो कॉल आती है। हाँ पता क्या है जी, यहाँ पर पहाड़ों में है, मतलब कि कौन इतनी, जैसे आप हमारा आपका जो सिस्टम है जो आप कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर तो हिमाचल में मुझे लगता है बहुत कोई भी नहीं होगा जी, शायद 2 या 4 होंगे। गाय वाला तो ऐसा सच हमें मुझे नहीं पता कौन है, और मतलब गौशालाएं हैं, गौशालाएं तो जितनी मर्जी देख लो यहाँ में भी, किसी भी जगह दे दे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये कम्बुचा है, पहले मैं बनाता था, हम ये बेचते हैं, इससे हमारे को फंडिंग मिल जाती है, जैसे फिर बिंद्रेश ने सीख ली, अब ये बनाता है, बस मुझे टेस्ट करना होता है। ये एग्जैक्ट एग्जांपल हो गया क्वालिटी चेक का, आपको बस ओवरव्यू रखना है कि यहाँ पे काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारा खुद अब कर रहा है। लोग नॉन प्रॉफिट को ना बिजनेस की तरह नहीं देखते, जबकि फर्क ये है, बिजनेस है, इसमें आपका प्रोडक्ट फर्क है, इसमें प्रोडक्ट सेवा है, इसमें प्रोडक्ट अवेयरनेस है, आप मुनाफा नहीं कमा रहे, पर बाकी तो सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही चलेगा। मुनाफा कमा रहे हो आप, उतना कमा रहे हो जिससे हमारे अपने खर्चे पूरे हो जाएं, इसको मुनाफा नहीं कहेंगे ना, मुनाफा नहीं कहेंगे, संतुष्टि है अभी, हमारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, हमारा प्रोग्रेस पूरा, वो तो हुआ आपका फाइनेंशियल सस्टेनेबल, आपको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा। फिर लोग क्या करते हैं नॉन प्रॉफिट में, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लोगों को ये एक छोटी बात है, लोग ध्यान नहीं देते, आपको अपने नॉन प्रॉफिट में मैनेजर चाहिए, अब मैनेजर सैलरी लेगा, ठीक है, आप बंदा ढूंढते हो 15,000 रुपये, आप उसको या 20,000 रुपये देते हो, मान लो आप खुद 15-20,000 की नौकरी कर रहे हो या 25 की नौकरी कर रहे हो, तो बंदा अपनी जॉब छोड़ के नॉन प्रॉफिट में, अपने ही नॉन प्रॉफिट में जॉब कर ले, खुद को सैलरी दे ले, आपने कहीं और जॉब करनी है इससे अच्छा यहाँ पे कर लो, डोनर्स को बता दो कि भाई मैं सैलरी ले रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे भी तो अपना घर चलाना है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं लेता सैलरी, मुझे ज़रूरत नहीं है, चलो टच वुड है ना, मैं अपना जो आईटी का काम करके उससे अपना कमा लेता हूँ, उससे मेरा खर्चा चल जाता है, पर अगर मान लो मेरे पास आय का कोई और साधन नहीं है और मैं रोज़ यहाँ पे 8-10 घंटे काम कर रहा हूँ, तो यार मुझे सैलरी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बेस्ट बंदे उस जॉब के लिए, करेक्ट, कि आप हमें ट्रीटमेंट समझ, क्योंकि उसकी ड्यूटी लगी हुई थी जी, परमानेंट ड्यूटी थी गौशाला में, हमने उसे मतलब थोड़ा लालची दिया कि आप हमें ट्रीटमेंट सिखाओ, हम फ्री तो हैं अब, हमने क्या करना है, 3 महीने हम आपके साथ हैं,
हाँ आप हमें ट्रीटमेंट्स को आपका काम फ्री हो जाओगे, आप हमें बता दिया करो फ़ोन पर। उसने हमें 10 दिन ट्रीटमेंट प्रॉपर सिखा दिया, 11वें दिन वो डॉक्टर नहीं आया, हम ट्रीटमेंट सारा करने लग गए। हम जब वहाँ पर ट्रीटमेंट करते, हमारा काम दूसरी गौशाला में भी चल रहा था, वहाँ पर भी बंदे आए जुड़े, हमने उनको ट्रीटमेंट सिखा दिया। उस गौशाला में भी हमने बीमार गुआ की जब ऐसी हालत देखी तो उसमें बंदे जुड़ते गए। इस तरह मतलब हमने अपना जो सिस्टम है जो ये खड़ा किया, हमने ये अलग से किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप संस्था ना कहो, आप परिवार बना लो, आप इसके पीछे परिवार लगा लो। हमने उसके पीछे फिर परिवार के नाम से लगा दिया कि हमें उस हिसाब से हमने जो अपना जो संस्था सी इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई कि हम में से कोई प्रधान ना हो, कोई कुछ ना हो, क्योंकि आमतौर ऐसे झगड़े होते रहे कि तू प्रधान है, तू ऐसा है, तू ऐसा। तो डोनेशन किसको आती है? हमें डोनेशन, मैं आपको बता दूं, हमें डोनेशन नहीं आई जी। हमने 23 सितंबर को, जो 23 सितंबर है अभी हमने जो देख कर की, जैसे अब आपकी वीडियो से हमें सपोर्ट मिली, हमें लगा कि हमें फ्यूचर में भी इससे हम बढ़िया कर सकते हैं। तो उस तरह हमें एक बार अपनी संस्था रजिस्टर्ड करवानी पड़ी। हाँ। कि उसको रजिस्टर्ड करवा कर हम साइट पर रख देंगे, क्योंकि हाँ। किसी बंदे के नाम से लगे तो इनकम टैक्स की तरह कोई भी हाँ। दिक्कत आ सकती हाँ। है। अभी मेरा अकाउंटेंट हुआ था ना, तो अभी नहीं, मैं तो एडवोकेट हूँ, ये अकाउंटेंट है जी, ये अकाउंटेंट है। फिर उस हिसाब से अर्पण का मतलब हमने, मैंने देखा जी इसका कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं था अकाउंट में, सब मेरे नाम से था घर पर। तो फिर मैंने अर्पण का इसका एक अकाउंट था, उसमें 20,000 था, हमने सभी इसका मतलब कि अकाउंट दे दिया फिर दीदी को, इन्होंने बोला कि मतलब एक बार दे दी, फिर हमने वो अकाउंट दे दिया। भी उसके बाद जब हमारा अकाउंट अभी खुल गया, हमारा अकाउंट परसों खुला, कल चेकबुक आ गई। हमें लगा नहीं था ना एक्चुअली कि इतना ज्यादा आएगा, अगर हमें पता होता कि इतना आ जाएगा तो हम पहले बोलते आपको बाद में वीडियो डाले ना, हमें पहले रजिस्टर कराने के। तो उसके बाद हमने देखा कि अगर लोग यार जो काम हो रहा है ना उसको हो जाने दिया करो, हमने फिर मतलब कि इस तरह हमारा जो सिस्टम था जी, इस तरह मतलब अभी चल रहा है सारा सिस्टम। अभी हमने क्योंकि इसलिए करवाई जी, क्योंकि आमतौर हमें हर बंदा बोलता है कि आपकी संस्था रजिस्टर है, इसलिए हम किसी के घर से भी नहीं लाते। जब हमने स्टार्ट किया था, जैसे मैं स्टूडेंट था, इनकी शॉप थी वो भैया का, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनका भी ज़्यादा विश्वास है, वो हर महीने वृंदा बन जाती हैं, जैसे उनका गौ माता से या कोई सी डॉग से ट्रीटमेंट का विश्वास है, प्रॉब्लम आती है हमें। अभी भी हम आ गए जी, वो लेबर वाले हैं, वो इस तरह वो बच्चे हैं, जैसे वो शाम को आते हैं सर, वो अपना मतलब कि जैसे हम भी, मैं भी ना जाऊँ, वो अपने आप कर लेंगे सर। उनको मतलब कि जैसे इंजेक्शन लगाना आ गया, जैसे वो फर्स्ट एड किट हो गई, जैसे इस तरह ट्रीटमेंट कर देते हैं, भी उनको देख कर, क्योंकि हमें लगता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं जी, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर भी मतलब मुझे भी लगता है कि स्कूल में हमें जाकर करना चाहिए, क्योंकि जो ये भावना होगी अगर किसी बंदे को मारने, क्योंकि मेरे पास रूटीन में इस तरह के केस आते हैं जी, हमारी मतलब सारे प्रॉपर में इतना नशा फैल चुका है और इतने केस आ रहे हैं बड़े बड़े, क्योंकि ये सारा काम है ये स्कूल से स्टार्ट होता है। अगर स्कूल में इस तरह के कैंप लगे, हमने भी कोशिश की कि हम लगाएं, क्योंकि स्कूल में इस तरह जैसे स्कूलिंग के बच्चे जुड़ गए, अब वो अपने दोस्तों को साथ लेकर आती हैं, अभी इस तरह वो भी ऐसे स्कूल में, मतलब जैसे इंग्लिश स्कूल के जो बच्चे होते हैं जी, वो तो गोबर के पास ही नहीं जाते, वो तो दूर खट जाते हैं कि ये गोबर पड़ा है या ये मतलब एनिमल है ये मारेगा। अभी जो जब पहले वो हमारे साथ आए, हमारे पास आए, वो भी गोबर को हाथ नहीं लगाते, हमने जब उनको मतलब कि सिखाया जी ऐसा है जी ऐसा है, उन्होंने देखा क्रूएल्टी देखा। तो ये आप सारी बातें मुझे कहानियाँ बता रहे हैं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल वाली बात है, छोटी सी बात है, उसकी इंस्टाग्राम रील बना दो 30 सेकंड की, मेहनत की रील बन जाती है। आपको बस ये करना है, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको ओके बताता हूँ। आपको ये देखना है कि जो भी आप मैसेज दो एक लोगों को समझ में आए, वो तो आप ऐसे ही सिंपल भाषा बोलते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक आपका वीडियो अंडरस्टैंडेबल हो यानी कि लोगों को समझ आए, मेमोरेबल हो यानी कि याद रहे, स्टोरी ऐसी होनी चाहिए ना कि याद रहे। आप यहाँ पे जैसे कुछ देखोगे, आप देख रहे थे कि यार तो यार वहाँ जो बिल्डिंग है ना ऐसे रखी थी, उसमें सीमेंट नहीं लगा था, कुछ आपको ऐसी बात बतानी है जो बंदे के दिमाग में अटक जाए, ठीक है, करेक्ट। और तीसरा इमोशनल, बंदे को मतलब कुछ फीलिंग आया ना, ये चीज़ होनी चाहिए। ये आपकी कहानी में ये तीन एलिमेंट हमेशा चाहिए। और जो आपकी कहानी का स्ट्रक्चर रहेगा ना, जो आपने वीडियो बताना है, सबसे पहले आप बताओगे प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम क्या है आपको, लेकिन साथ ही में ये बताना कि इस प्रॉब्लम से आपको क्या फर्क पड़ता है, और फिर आपने देना है सॉल्यूशन। तो जब आप अपने वीडियोस इस फॉर्मेट में बनाओगे कि प्रॉब्लम है, मान लो कि मैं एकदम जैसे रैंडमली बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि ये जो गाय है, इस गाय को किसी ने गुस्से में लाठी मार दी, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ना कि भाई अब ये जो गाय है इसको, ये हमारे पास आई, इसको किसने लाठी मारी थी, शायद किसने गुस्से में मारी होगी। प्रॉब्लम गाय की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई हम लोगों को इतना गुस्सा क्यों चढ़ रहा है समाज में, ऐसा क्या हो गया। अब ये प्रॉब्लम, अब इसमें हर कोई इंटरेस्टेड है, सिर्फ वो लोग नहीं जिसको गाऊ से मतलब है, उसमें हर कोई इंटरेस्टेड है। फिर आप एक सोल्यूशन दे सकते हो इन बिटवीन, आप साथ में ही बता सकते हो आपने क्या क्या किया। तो एक स्टोरी टेलिंग एक फॉर्मेट है ना, जब आप इस फॉर्मेट में चीज़ें बनाओगे, आप देखोगे कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही, फिर आप उसको बेटर करते रहोगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे रामायण ग्रंथ से, रामायण होता ही है ना, हर किसी के पास होता है, फिर भी कथावाचक हैं, कोई कथावाचक पॉपुलर है, कोई नहीं है, क्यों? हर कोई अपना अपना अपने ढंग से बता रहा है, फिर कोई कहानी बताते हुए उसको रिलेटेबल कर देता है ना। कृष्ण जी की बात करते हुए वो सास बहू को बीच में ले आएगा, फिर सडनली सबके कान खड़े हो जाते हैं, यार सास बहू का तो हर किसी के घर में, हम भी सुन लेते हैं, कृष्ण जी से चलो नहीं लेना देना मेरा, है ना, वो वाली बात है। आपको चीज़ें रिलेटेबल बनानी है तो उस पर काम करना ज़रूरी है, स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो मज़ा आया मुझे आपसे, ओके बाय। ये करण भैया ने बनवाई थी सभी, इनको शौक रहता है इन चीजों का, दिखा गया जी आप सभी सबके लिए। सभी स्टाफ के लिए लेके आए, कितने मग्स लाए हैं, मंगवाई थी ना आप, अच्छा सबके वो वाले बने हुए हैं, जो फोटो मंगाए थे, अच्छा शाइनी ने हमें बताया नहीं उसने कि कोई मतलब कोई वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, अमन अमन अभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट करवा लोगे, आप बताओगे सभी की है वैसे तकरीबन लिस्ट ली थी ना जिनकी, जो लिस्ट आपने है लिस्ट है नहीं तो तुम शक्ल देखते रहो, नहीं नेम भी है हमारे पास, नेम भी है सभी, हाँ नेम बता दीजिए, ऐसे नेम नाम बोली, चलो नाम बोल दो, जो आपने भेजी है उन्होंने, आपका नाम क्या है, रवि नाम से सर, एक अच्छा उसमें लिखे हुए ना सब का लिखा हुआ है, यू थिंक हम लोग चूल्हे के साइड जा सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, बाहर चले, बाहर चले, यहाँ पे चल लेते हैं, चक लो कोई बात नहीं, चप्पा चक लो, ये वहीं पे बन गया आपके पंजाब में, लोकली हमारे टाउन में रामपुर, ये सब चीजों का नहीं शौक करण को रहता है। आप क्या करते हैं करण जी? मैं आईएलटीएस कर रहा हूँ जी, बाहर कनाडा जा रहा हूँ, अच्छा आईएलटीएस, लेकिन इसे जाने नहीं दिया जा रहा है, जाने नहीं दे, कौन नहीं जाने दे रहा, हम सभी नहीं जाने देते जी, हमें इसकी जरूरत है, जरूर पॉइंट बन गए आपके, नहीं अभी कर रहा हूँ, आईएलटीएस हो जाएगा फिर बन जाएंगे पॉइंट, कहाँ है मैं करूँ एक्सप्लेन, ये सब आ ही जाए, तुम्हें नहीं करना फिर एक्सप्लेन, नहीं इनको कर रहा, अच्छा तुम्हें काम नहीं करना, नहीं नहीं हमें करना है उसको, ट्रांसफ्यूजन छूट करने जाना था, अच्छा। वो खत्म हो जाएगा, आई थिंक सब आ जाए तो भी बता दो, सॉरी सर, डब्बा चक दो तू, करने उधर रख लो, काफी तो लिखा है ना, नाम किधर किधर है वैसे, पकड़ा तो दे दे नाम, भैया आप आए हो कभी उधर पंजाब से, पंजाब से मैं एक बार गोल्डन टेंपल, तो बहुत टाइम होगा, 15 का था मैं तब आया था,
तो मैं आना जाना कहीं भी नहीं होता, मैं ज्यादा ट्रैवल तो करता नहीं, यहाँ से मैं तो पंजाब रस्ते में पड़ता है, नाम बोलो चलो हिमाचल अपना दिल्ली जाता हूँ। हाँ दे दो नाम बोल दो, नाम बोलो चलो। तुषार है यहाँ पे, जैसे मतलब की आपसे सीखते जाएंगे, हो सकता है जब तक आप आओ इसी तरह मतलब की हॉस्पिटल बन जाए। ये तो इन्होंने आने से पहले हमारे लिए सबके लिए इंडिविजुअलाइज्ड मग बनाए हैं विद फोटो, और ये करण जी का आइडिया था। अपने फोन पे सारे नंबर भैया ये ले लो, खाली इतने चक्की मैम का नाम भी होगा देखो। थैंक यू सो मच। निकाल के दे आ गए सब आने में ले रहे हैं दिमाग सृष्टि बोल दे काट के दे दो काट के सृष्टि आज की छुट्टी है।